अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। ये पराठे मैंने अम्मी के घर में इतने खाए हैं ना छुट्टियों में, और ये मेरी भाभी बना बना के डेली मुझे खिलाती रही हैं। और मैंने सोचा बहुत मज़े का बनता है, ये लेयर वाला पराठा है और इतना इजी और इतना अच्छा बनता है ना ये कि आपका हाथ रोकने से भी नहीं रुकता। तो मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ, आपने एंड तक ज़रूर देखना है। और इस तरह बनाइएगा, ना घी में बनते हैं ना मक्खन में ये बनते हैं, ये सिर्फ ऑयल में भी बना सकते हैं आप। लेकिन ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी होता है और अंदर से बहुत सॉफ्ट और इसकी लेयर्स खुलती हैं। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसकी रेसिपी। अच्छा, यहाँ पे भाभी ने 3 पेड़े ले लिए थे। ये बहुत हल्के वाले नहीं हैं, थोड़े से इतने हों भी हैवी वाली थोड़ी रोटी बनती है, ये पराठा बनता है, ठीक है। और इसको अंदर से ऑयल को इन्होंने फैलाया था और इसके ऊपर दूसरा पेड़ा रखा था, दूसरा पेड़े के ऊपर भी ऑयल को फैला के और तीसरा पेड़ा उसके ऊपर रख दिया था। फिर इसके साइड्स को ऐसे मेक श्योर करना है कि वो कवर हो जाएं और बंद हो जाएं, और हल्के हाथ से इसको बेलने के लिए तैयार कर लेना है। ये देखिए, हम ये पराठा बेला जा रहा है। अच्छा, बेलने के लिए आपने बहुत पतला नहीं करते ना, बस उसको थोड़ा सा, ये मोटा ही बनता है तभी ऊपर से क्रिस्पी होता है और अंदर से बहुत सॉफ्ट सा बनता है। अब यकीन करें इसको हाथ रोकने से भी ना ये रुकता नहीं। अच्छा, तवा गर्म कर लिया था और फिर उसको फैला लिया तवे पर, कोई ऑयल वगैरह नहीं डालना उससे पहले। आप ऑयल के अलावा अगर इसमें घी या मक्खन में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट ये ऑयल में भी बहुत अच्छा बनता है। ये ऑयल उसने ऊपर से अच्छा खासा परून ढेला, और मैं ये जितने दिन अम्मी के घर ही, मैं डेली कहती थी बस आज खा लिए, मैं कल नहीं खाऊंगी, बट अगले दिन फिर से मैं कहती थी मुझे पराठा ही बना के, तो वो पराठा बना के देती थी मुझे। तो थोड़ा सा उसका कलर चेंज होगा, हम दोनों तरफ से इसको हल्की आग पे गोल्डन ब्राउन करेंगे इसको। ये देखिए बहुत मज़े का बनता है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और इसको मैं डेली फ्राई अंडे के साथ खाती रही हूँ, और ये आप अगर अचार के साथ खाएं तो वाजिब और भी मज़ा आएगा आपको, आपने ट्राई ज़रूर करना है। और मैं इसकी ना लेयर्स आपको खोल के दिखाऊंगी, इसकी कैसे लेयर्स को दोनों तरफ से इस तरह आपने हल्की आग पे इसको पकाते जाना है, ठीक है। और ये देखें, ये कलर चेंज होना शुरू हो गया है और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से इसकी लेयर्स बहुत सॉफ्ट सी रहती हैं। और दोनों तरफ से आपने इसको हल्की आग पे ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको पकाते जाना है। ये देखें, अब तकरीबन हमारा पराठा हो गया है तैयार, और इसको मैं इंजॉय करूँगी फ्राई अंडे के साथ। आप किसी भी किस्म का आपको नाश्ते में जो भी आपको अचार अच्छा लगता है, अंडा अच्छा लगता है, ऑमलेट अच्छा लगता है, सालन अच्छा लगता है, कुछ भी, तो आप उसके साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं। बट अंडा पराठा की तो बात भी कुछ और ही है, अंडे पराठे की का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। ये पराठा तैयार था और हम लोग अब इसको एंजॉय करेंगे। ये देखें, मैं यहाँ पे पराठा तोड़ ही हूँ, इतना खस्ता सा बनता है, बहुत मज़े का। और इसको मैं अंडे के साथ एंजॉय करूँगी। अच्छा, इसकी मैं आपको अब लेयर्स दिखाऊँगी। ये देखिएगा आप, लेयर्स इतनी, ये देखें ऊपर से बहुत क्रिस्पी है, आपको नज़र आ रहा होगा, और अंदर से इसकी लेयर्स इतनी सॉफ्ट हैं, ये देखें 3 लेयर्स हैं इसकी। अगर आप ज़्यादा लेयर्स भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, और ये फुल कुक हुआ है, और आप इसको एंजॉय करें। और अगली रेसिपी तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।